और अब खबरें विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले सबसे अच्छी खबर, मध्य प्रदेश का 52वां जिला निवाड़ी बनने जा रहा है। बुंदेलखंड को एक और जिला मिला है। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बनेगा, विधानसभा चुनाव से पहले ही अस्तित्व में आ जाएगा। सीएम शिवराज ने इस बात का ऐलान किया था। बुंदेलखंड के लिए सौगात, मध्य प्रदेश के लिए ये सौगात, निवाड़ी मध्य प्रदेश का 52वां जिला बनेगा। टीकमगढ़ से अलग होकर निवाड़ी बनाया जाएगा, विधानसभा चुनाव से पहले अस्तित्व में ये आएगा। सीएम शिवराज ने इस बात का ऐलान किया था और अब वो ऐलान जल्द पूरा होगा। सहयोगी मकरंद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे मकरंद का रुख करेंगे। मकरंद, बुंदेलखंड के लिहाज से, वहां की स्थितियों के लिहाज से देखा जाए, अच्छी बात, लेकिन इस जिले को एक आदर्श जिले के मयार तक पहुंचाना, यही सबसे बड़ी चुनौती। क्या रणनीति रहेगी संभावित मकरंद? देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र है वो खास तौर पर बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है और बुंदेलखंड को एक और जिला मिलने जा रहा है निवाड़ी के तौर पे। 52वां जिला होगा मध्य प्रदेश का, आज सूचना जारी हो गई है। बस इस पे दावे आपत्तियां बुलाई गई हैं। अगले 2 महीने का समय भी दिया गया है और 2 महीने बाद औपचारिक रूप से निवाड़ी को जिला घोषित कर दिया जाएगा। मोहनपुरा तहसील, पृथ्वीपुर तहसील और निवाड़ी तहसील, इन तीनों को मिला के वर्तमान में प्रस्ताव तैयार किया गया है, राजस्व विभाग की तरफ से शासन को भेजा गया है और शासन ने इस पे दावे आपत्तियां बुलाई है स्थानीय स्तर पर भी, और यहां पर भी तमाम जो विभाग हैं उनसे आपत्तियां और दावे बुलाए गए हैं कि क्या किया जाना चाहिए। तो जाहिर है कि जिला बनना तय है और अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की घोषणाओं पर जो अमल शुरू हुआ है बीते कुछ दिनों में, हम देख रहे हैं कि तेजी आई है, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आईजी एसपी से या फिर कमिश्नर से बात करने की जो कवायद है वो हो, या फिर कहा जाए कि जो तमाम घोषणाएं हैं उनको पूरा करने के लिए फंड रेज करने की बात हो, फंड जुटाने की बात हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार मंत्रालय में बैठ के लेकर अपनी घोषणाओं को पूरा करने की कवायद में लगे हैं। और इसी के तहत निवाड़ी को जो जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी उसको भी पूरा जल्द से जल्द किया जा रहा है। अब कांग्रेस के पास जिस तरह से चुनाव आते मुद्दों को तलाश रही है जिस तरह से कांग्रेस, उसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा यह भी है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तकरीबन 10,000 से ज्यादा घोषणाएं की है। ये कांग्रेस का आरोप है कि 10,000 से ज्यादा घोषणाएं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की है जो पूरी नहीं की गई। तो जाहिर है 10,000 ना भी हो लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो पूरी नहीं हुई है, उसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान काफी गंभीर है ताकि आने वाले चुनाव में जनता के बीच जब वो जाए तो वो जनता को अपने वादे पूरे किए हुए बता सके, गिना सके कि उन्होंने जो वादे किए थे वो पूरे किए गए हैं। तो ये कवायद वादे पूरे करने की है और साथ ही साथ बुंदेलखंड को एक जिला मिलने से फायदा ये भी होगा कि जो राहत राशि या जो कहे कि राशि बुंदेलखंड पे खर्च होती है उसको अगर एक जिले के तौर पर खर्च करेंगे, एक तहसील में उतनी गंभीरता से विकास, लेकिन अभिशप्त है बुंदेलखंड, वो जो अभिशाप है बहुत शॉर्ट में मकरंद, कि वो जो अभिशाप पूरे बुंदेलखंड के साथ लगा हुआ है, ये बात ठीक है कि अब तहसील अगर जिले में तब्दील हो जाएगी, 4-5 तहसील शायद इसमें रहने वाली हैं, लेकिन क्या वो अभिशाप खत्म होगा जो पूरे बुंदेलखंड पर है? मतलब इतनी योजनाएं हैं केंद्र से लेकर राज्य तक की, बुंदेलखंड वहीं का वहीं है, इस वजह से मेरा ये सवाल है बहुत शॉर्ट में मकरंद। देखिए, बुंदेलखंड विकास से दूर रहा है, उसकी सबसे बड़ी वजह है भ्रष्टाचार, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, किसी की भी सरकार रही हो, भ्रष्टाचार चरम पे रहा है। और ये एक खुलासा बहुत बड़ा हुआ भी हाल के दिनों में कि जो नल जल योजना है, जो पानी की सप्लाई की योजना थी, वहां पे उन्होंने तकरीबन 1300 हैंडपंप और जल स्रोत उन्होंने बनाए थे जिसमें से 900 फेल थे। तो जाहिर है कि भ्रष्टाचार की भेंट इस तरह की योजनाएं चढ़ती हैं, पैसा आता है, खर्च भी होता है लेकिन जनता के पास नहीं पहुंचता, अधिकारियों या कर्मचारियों की जेबों में चला जाता है, ठेकेदारों की जेबों में चला जाता है। ये आरोप भी लगते रहे हैं और कई दफा पुष्ट भी होते रहे हैं अलग अलग एजेंसियों की कार्रवाई के बाद। तो अब देखना होगा कि अलग जिला बनने से क्या बदलाव बड़ा आ जाता है निवाड़ी में, लेकिन अभी फिलहाल 52वां जिला मध्य प्रदेश को जरूर मिलने जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस खबर पर सबसे ज्यादा नजर शायद गंज बासौदा, नसरुल्लागंज, बीना, इनकी भी सबसे ज्यादा निगाहें इस पर टिकी होंगी। धन्यवाद मकरंद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज सीएम शिवराज सिंह चौहान सागर में विकास पर्व में हिस्सा लेंगे और सीएम शिवराज नगरीय निकायों के विकास कार्यों के भूमि पूजन के साथ लोकार्पण भी करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत खरीफ फसल की बीमा राशि किसानों में बांटेंगे।
94,000 किसानों के खाते में 242 करोड़ राशि डाली जाएगी। कार्यक्रम में गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के अलावा नगरीय विकास मंत्री माया सिंह, गोपाल भार्गव, कृषि मंत्री गौरी शंकर बिसेन और कई सांसद और विधायक भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में 1,00,000 से ज्यादा लोगों के आने की संभावना जताई गई है। और सहयोगी मकरंद काले लगातार लाइव जुड़े हुए हैं राजधानी भोपाल से। मकरंद, आज विकास पर्व मनाया जा रहा है, सीएम शिवराज सिंह चौहान हिस्सा ले रहे हैं, जाहिर सी बात है आज बहुत सारी सौगातें मिलने जा रही हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड बहुत फोकस है इस समय सरकार का, इसमें कोई दो राय नहीं है। निवाड़ी को जिला बनाना, इससे पहले खुरई में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम किया था जिसमें तमाम जो जल संसाधन विभाग की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट किया गया, जो सिंचाई परियोजना है उसका शिलान्यास किया गया, जो कि 1972 से रुकी हुई थी उसका शिलान्यास, उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 2018 में किया। अब जो प्लानिंग बन रही है या फिर जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान फिर सागर में है और सागर में तमाम जो हितग्राही हैं उनको आवास आवंटन करेंगे, उनको राहत राशि बांटेंगे, किसानों को मुआवजा बांटेंगे। तो ये सारी कवायद बुंदेलखंड को साधने की है। सागर बहुत बड़ा सेंटर है बुंदेलखंड का, जिसको कि साधने की कवायद लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं और आने वाले चुनाव के मद्देनजर ही ये पूरी स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, क्योंकि बुंदेलखंड अछूता रहा है। हर बार जब चुनाव आते हैं तो बुंदेलखंड को अहमियत मिलनी शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले तक पूरा बुंदेलखंड अछूता रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और एक बार फिर से यही स्थिति देखने को मिल रही है कि 4 साल तक जनप्रतिनिधियों ने बुंदेलखंड का रुख नहीं किया और जब अब चुनाव आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और तमाम सरकार जो है बुंदेलखंड को लेकर पूरी तरह से गंभीर नजर आ रही है। जी जी बिल्कुल मकरंद, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इधर इंदौर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, क्राइम पेट्रोल के हीरो को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, सोहन ठाकुर उसके पास इसका नाम है। 20,000 की नशीली दवाएं इस हीरो के पास से मिली हैं, क्राइम पेट्रोल के हीरो के पास से। मांगलिया से एसटीएफ ने इसे गिरफ्तार किया है, एक एसयूवी कार भी जब्त है। सावधान इंडिया, माता की चौकी, कई सीरियल और फिल्मों में काम कर चुका है सोहन ठाकुर, और फिल्मों में काम करते करते इस रास्ते पर भी निकल गया। अब हो गई है गिरफ्तारी सोहन ठाकुर की, नशीली दवाइयां मिली हैं, एक एसयूवी जब्त की गई है। और साथ ही ग्वालियर से बड़ी खबर, जहां 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, किराएदार मंगल बाथम पर रेप का आरोप है। घटना के वक्त घर में अकेली बच्ची अकेली थी और डबरा थाना के जवाहर कॉलोनी की यह पूरी घटना, आरोपी की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो ग्वालियर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, 9 साल की बच्ची के साथ रेप किया गया, किराएदार मंगल बाथम पर रेप का आरोप लगा है। मुरैना में हुआ है न्यूज 18 की खबर का असर, अवैध रेत से भरे 3 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़े गए हैं, अवैध रेत के साथ 5 आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं। सिटी कोतवाली और सिविल लाइन, 2 थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई है। अवैध उत्खनन पर प्राथमिकता से न्यूज 18 ने खबर दिखाई, खबर का असर हुआ, जाग गई पुलिस। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।